इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वन माइंड एट अ टाइम। मैं आपका होस्ट ध्रुव, बैक विद अ न्यू व्लॉग। आज जो शख्सियत हमारे शो पे आने वाली है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के नाम पे एक मिसाल है। इट इज ऑन शोल्डर्स ऑफ सच मेन दैट द वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्टैंड्स, स्पेशली व्हेन वी हैव टू सेव द टाइगर एंड इट्स हैबिटेट। बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ही जॉइंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन द ईयर 1977 एज अ फॉरेस्ट रेंजर एंड ही रिटायर्ड एज अ डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट From Ranthambore National Park in the year 2017. मैं बात कर रहा हूँ रणथंभौर की फेमस डायनामिक फॉरेस्ट ऑफिसर की, मिस्टर दौलत सिंह शक्तावत। जंगलों में रहते हैं तो जंगली जानवरों से आमना सामना तो लाजमी है। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ मौकों पे इन्होंने मौत का सामना किया है, पर 2010 के अंदर एक ऐसी घटना घटी गई थी रणथंभौर के अंदर जिसने पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हिला दिया था, जब एक टाइगर ने इनकी जिंदगी को मौत की ओर ढकेल दिया था। उस समय बहुत ज़्यादा घायल होने की वजह से और अपनी एक आंख गंवाने की वजह से लोगों को लग रहा था कि दौलत सिंह जी बच नहीं पाएंगे, बट किसी ने कहा है ना, चाकू आके साइयां मार सके ना कोई, मारने वाले से हमेशा बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। भगवान के आशीर्वाद से और लोगों की दुआओं ने 20 अगस्त 2010 को दौलत सिंह जी को एक नया जीवन प्रदान किया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं एक ऐसे इंसान से रूबरू होने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने ज़िंदगी के अहम 40 साल राजस्थान वन प्रभाग और बाघों के संरक्षण में पूरी तरीके से समर्पित कर दिए। राजस्थान वन प्रभाग से लेके केवरा देव सर इसका और रणथंभौर हमेशा इनके द्वारा किए गए महत्वाकांक्षी कामों का सम्मान करेगा और इनके जोश और जज्बे को सलाम करेगा। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर दौलत सिंह शक्तावत जी से। सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो, वेलकम टू ऑल माइंड एट अ टाइम। सर, हाउ डज लाइफ फील आफ्टर रिटायरमेंट, कैसा लग रहा है सर? ऐसा लग नहीं रहा कि रिटायर्ड हो गए, क्योंकि जब जैसा सुना था, जॉब में थे तो बिजी रहते थे, सुना था कि भाई रिटायरमेंट के बाद में जो है रिलैक्स हो जाएंगे, बट जो 35-40 साल तक वाइल्ड लाइफ और उसके सराउंडिंग में जो ज़िंदगी काटी है उसने लोगों से इतना इंटरेक्ट करवाया कि रिटायरमेंट के बाद वापस लग रहा है कि अभी तो जॉब ख़त्म हुआ ही नहीं। बिकॉज आफ्टर रिटायरमेंट आई जॉइन द WWF एज ए कंसल्टेंट एंड डिपार्टमेंट ऑल्सो मेम्बर ऑफ NTCA, मेम्बर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी स्टेट बोर्ड। सो इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि जो चाहते थे कि भाई जंगल से दूर हो जाएंगे तो कैसा होगा, तो अभी कोई ऐसा रिटायरमेंट की फीलिंग तो अभी तक तो आई नहीं है। थोड़ा सा टाइम में वापस चलते हैं, साल 1977 जब आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, तो इस कार्यक्रम को हम सर के शुरुआती दिनों से शुरू करते हैं। सर, थोड़ा उस टाइम के बारे में। बिल्कुल फ्लैशबैक में 40-45 साल पुरानी बात है। 1977 में मैंने यहीं रणथंभौर में ही ज्वाइन किया था। मुझे आज भी याद है 2 मार्च 1977 को जब मैं रणथंभौर में आया था एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर, और आज जब रणथंभौर को देखता हूँ तो एक बड़ा अजीब सा लगता है, सपना लगता है कि ये रणथंभौर वही रणथंभौर है क्या जहाँ मैंने ज्वाइन किया था। उस वक्त शायद ये हॉबी डेवलप नहीं हो पाई थी फोटोग्राफी की, अगर आज उस ज़माने में मैं ये कुछ फोटोग्राफ्स कर पाता तो शायद कोई बिलीव भी नहीं करता कि ये वही रणथंभौर है क्या जो आज का रणथंभौर है। जर्नी 45 साल की काफ़ी लंबी जर्नी होती है, 40 साल 6 महीने और 3 दिन मैंने डिपार्टमेंट के साथ बिताए, उसमें 3 साल मेरे ट्रेनिंग के हैं, फॉरेस्ट डिप्लोमा वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग, और 37.5 साल लगभग जो है एक्सक्लूसिवली जंगल में बिताए, और आज भी जो है जंगल से दूर होने की इच्छा ही नहीं होती, और इसीलिए मैं रिटायरमेंट बाद भी जो है रणथंभौर से उसी तरह जुड़ा हुआ हूँ किसी न किसी माध्यम से, WWF के थ्रू, डिपार्टमेंट की जो दूसरी एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू, तो वो सब चीज़ें चल रही है और सोचता हूँ कि ऐसे ही चलता रहे। वो कहते हैं ना, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। सर, मेरा मानना है कि भारत के जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें से कुछ टाइगर रिजर्व्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन मिला गया, या मिसाल के तौर पे जैसे हम कॉर्बेट के बारे में पूछ लेते हैं, रणथंभौर के बारे में बोल ले सकते हैं, बांधवगढ़ के बारे में बोल सकते हैं, टडोबा, काना, मेरे हिसाब से ये जो 6-7 रिजर्व्स है यहाँ पे टाइगर को प्रोटेक्शन बहुत अच्छा मिला है कंपेयर टू रिजर्व्स लाइक वाल्मीकि एंड देन यू हैव पेंच, पन्ना। हाँ, आप कह रहे हैं वो काफ़ी सही है, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में स्टार्ट किया गया था। आप जो नाम ले रहे हैं ज़्यादातर वो नाम हैं जो पहली लिस्ट में थे,
आपको याद हो तो 1973 में पहली लिस्ट में 9 एरिया सेलेक्ट किए गए थे, उसमें अधिकांश जो आपने नाम लिए वो 9। उसके बाद में 1979 में 2 अमेंडमेंट हुआ और 11 हुआ, तो राजस्थान में 2 हुए फिर रणथंभौर इंसर्जेंसी का। आज की तारीख में 51 टाइगर रिजर्व हैं, बट क्योंकि इसकी बहुत लंबी जर्नी थी, लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, फ्रंट लाइन स्टाफ से लेकर ऊपर जो सीनियर ऑफिसर्स तक थे सबका, और ग्रेजुअली देखते देखते जो मैं ये देख रहा हूँ कि उसकी शक्ल जो अब इख्तियार की है। जब मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे गुरिल्ला वॉर ही चलता रहता था विलेजर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। और अगर आप एक मैंने एक छोटी सी बुक लिखी है माई एनकाउंटर विद द बिग केट, उसका एक लास्ट चैप्टर लिखा मैंने अनसंग हीरोज ऑफ रणथंभौर जी, तो बहुत कम लोगों को पता है। एक्चुअली रणथंभौर ऐसे ही नहीं बना, रणथंभौर जो बना है इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत आदमी ने सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस मतलब जिनकी लाइफ ही ख़त्म होगी, और प्रोटेक्शन के नाम से, ऐसे नहीं कोई एक्सीडेंटल हुआ, प्रोटेक्शन के नाम से दे हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द रणथंभौर और फॉर द टाइगर कंजर्वेशन। तो वो जो आप पार्क कर रहे हैं उसमें हर पार्क में ये कहानी कहीं ना कहीं रही है, जिसमें लोगों का डेडिकेशन, लोगों का समर्पण, और उसी से आज जो है रणथंभौर इस लेवल पे आया। मैंने खुद ने नहीं सोचा था, तो मैंने सोचा था भाई यही चलता रहेगा। जो गांव वाले, एक ज़माना था जो रणथंभौर के नाम से हुटिंग करते थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ थे, आज वो सब लोग जुड़े हुए हैं, टाइगर कंजर्वेशन में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ऑफिशियल तो है ही सही, गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स है उसने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया लोगों को, बट धीरे धीरे जो टूरिज्म ऑल्सो वन आस्पेक्ट जो मैं मानता हूँ, क्योंकि टूरिज्म ने लोगों को, जो लोकल लोग हैं उनको ब्रेड एंड बटर जिसे कहना चाहिए वो दिया है, एज ए गाइड, एज ए टैक्सी ड्राइवर, एज ए कैंटर ओनर, और लोगों का इतना जुड़ा, और मार्केट देखेंगे आप, इतना बड़ा मार्केट हब जो तैयार हुआ, इतने होटल, तो लोगों को जो एक ज़माने में टाइगर को अपने खिलाफ मानते थे वो आज टाइगर को अपना दोस्त मानते हैं, उसका साथ देते हैं और साथ देते हैं। टाइगर की कोई भी चीज़ एक्टिविटीज होती, गांव वाला पहले निकल के आता है। बिल्कुल सर। सर हम रणथंभौर आए और यहाँ पे आके अगर यहाँ के टाइगर्स के बारे में बात नहीं करेंगे तो सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मतलब कहाँ से शुरुआत करूँ सर मैं, मतलब इतने लेजेंड्स हैं यहाँ पे, सुल्तान, नूर, फतेह, आकाश, कुंभा, जालिम, स्टार, मतलब नाम लेते जाओ ख़त्म नहीं होने वाले, और सारे के सारे सर आइकॉनिक रहे हैं। तो और ये भी देखा गया है सर, रणथंभौर में बोला जाता है कि आप रणथंभौर कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ टाइगर साइटिंग। मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि सर सारे रिजर्व्स को छोड़िए, सबसे ज़्यादा साइटिंग यहाँ क्यों होती है, उसका रीज़न, मुख्य रीज़न उसका क्या है? देखो आपने जिन लोग, जिनके नाम बताए टाइगर्स के, ये वो टाइगर्स हैं ज़्यादातर टूरिज्म जोन में हैं। नॉन टूरिज्म जोन में भी वी हैव वेरी गुड टाइगर पॉपुलेशन, आज की तारीख में अराउंड 70 के आसपास टाइगर हैं। जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तब हम 10 से 12 टाइगर मानते थे कि भाई 10 से 12 टाइगर हैं, और देट इज़ ऑल्सो नॉट फुल प्रूफ एस्टिमेशन, ठीक है। आज जो है मैं आपको जो 70 कह रहा हूँ, 70 कह रहा हूँ, वो प्लस ही हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, वो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जैसा आपने कहा कि आप देखेंगे कि मैंने सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी लैंड ऑफ टाइगर, जो 82-83 में शूट की गई थी, पार्टी ऑन कान्हा इन रणथंभौर। तब मैं बेसिक फॉरेस्ट्री डिप्लोमा कर रहा था, और उस वक्त जब कान्हा में शूट हो रही थी तो हमारा वर्किंग प्लान टूर कान्हा में था। और उसके बाद आप देखोगे आज की तारीख में भी करीब 50-60% जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी है टाइगर को लेके वो अकेले रणथंभौर पे बनी है। तो उसके कई रीज़न हैं, एक तो एरिया वाइज डेंसिटी अच्छी है, और भी पार्क हैं उनमें भी काफ़ी डेंसिटी, पर दूसरा क्या है, ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, सूखा पतझड़ी वन जिसे हम बोलते हैं, जैसे एवरग्रीन से एवरग्रीन। तो जो साइटिंग है टाइगर्स की वो यहाँ एरिया काफ़ी ओपन है, अंडरग्रोथ कम है, स्पेशली समर्स में वाटर इज द लिमिटिंग फैक्टर, जो पानी है वो एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर है जानवर के लिए, हमारे लिए भी, आदमी के लिए। तो वो जो एक्टिविटीज जो मिलती है रणथंभौर में, जो तीनों लेक हैं, मैं कह रहा हूँ दीज आर द लाइफ लाइन ऑफ द रणथंभौर टाइगर रिजर्व। उसके आसपास जो सांवर है, चीतल है, और उसके आसपास आपने देखा घास जो है, घास का जो ग्रूम बना, उसमें टाइगर अपने आप को एम्बुश करता है, छुपाता है, स्टोकिंग कर, तो जो वो जो एक्टिविटीज़ मिलती है वो आदमी को थ्रिल कर देती हैं।
और जैसा कि आपसे मेरी बात हुई थी कि भाई मैं आ रहा हूँ तो बारिश का मौसम है जी। पर आपको रणथंबोर ने उसको भी डिसअपॉइंट नहीं किया, कल आपको टाइगर साइटिंग हुआ है। बिल्कुल सर, और इसी बात में मैं कहना चाहता हूँ कि इस सीजन के अंदर जबकि कोर एरियाज बंद है, जोन नंबर 1 से 5 का जो इलाका है वो पूरा का पूरा बंद है, वी नेवर थॉट कि जोन नंबर 6 के अंदर हमारे को टाइगर देखने को मिल जाएगा, वो भी मेरे फर्स्ट टाइम पे। देखो मैं बताऊँ आपको कि रणथंबोर में जो टाइगर है अब आज की तारीख में चारों तरफ स्प्रेड हो रहे हैं। यहाँ जो मैं नंबर बता रहा हूँ ना, इसके अलावा कम से कम 8-10 टाइगर जो है लोकली माइग्रेट करके एमपी की तरफ, जो सेकंड पार्ट है इसका केला देवी, वहाँ पे अभी आपको रामगढ़ विजधारी जो अभी नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है, वहाँ पे मुकंदरा जो थर्ड टाइगर रिजर्व है राजस्थान, वहाँ पे 2 टाइगर तो नेचुरली दे हैव डिस्पर्स फ्रॉम हियर टू देयर। तो ये सब चीज़ें बताती है कि दीज आर द कॉरिडोर लिंकेज है एक से दूसरी जगह। और अभी जो फोकस है थ्रू WWF जो हम काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट का भी जो फोकस है, वो जो वेस्टर्न लैंडस्केप है आपका, वेस्टर्न लैंडस्केप मतलब आपका कूनो, देन आपका केला देवी, धौलपुर, रणथंबोर, रामगढ़ विजधारी, मुकंदरा एंड उसके आगे भैंस रोडगढ़ तक, ये पूरा वेस्टर्न लैंडस्केप है। बहुत अच्छा टाइगर का एक कॉरिडोर बनता है। एंड हाउ वी डेवलप द कॉरिडोर, गवर्नमेंट का भी अपना प्रोसेस चल रहा, हम लोग भी उसमें कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर सकें। और जो आप जहां हम सवाई मानसिंह सेंचुरी एरिया में भी आए हैं, 2006 से पहले यहां कोई भी रेजिडेंट टाइगर नहीं था। ओके क्योंकि मैं ये पक्का कह सकता हूं 22 साल के कैरियर में टाइगर आता था जाता था सवाई मानसिंह सेंचुरी में, ऐसा नहीं कि टाइगर नहीं रहा हो, बट रेजिडेंट का मतलब कभी ब्रीड नहीं किया। आफ्टर 2006 2008 में पहली बार एक फीमेल आई थी T8 करके, जो T5 की डॉटर थी, वो जैसे ही वो आई उसने ब्रीड किया, आज की तारीख में 16-17 टाइगर हैं। नाउ वी हैव द 4 जोन इन सवाई मानसिंह सेंचुरी विच इज द पार्ट ऑफ रणथंबोर टाइगर रिजर्व, आपका 7, 8, 9, 10। और लोग बाग आप देखेंगे कि मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़े 31st को मेरे किसी मिलने वाले का फ़ोन आया, सर जोन नंबर 10 का हमको टिकट दिलाओ। अरे मैंने कहा 10 में क्या है। तो मतलब वो इमेज हो गई आज की तारीख में, टाइगर जा रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। और मैं तो कहूँ रणथंबोर जो है एक ब्रीडिंग नर्सरी बन के आया टाइगर के लिए। सर 20th August 2010 आपको एक फ़ोन कॉल आया था कि एक टाइगर रणथंबोर की सीमा पार करके एक गाँव में घुस गया है। आप तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन वो ऑपरेशन आपकी लाइफ का सबसे दर्दनाक रेस्क्यू ऑपरेशन था। सर थोड़ा बताना चाहेंगे आप उसके बारे में? अभी 20 अगस्त को हम बैठे हुए थे तो लोगों ने याद दिलाया, मुझे तो याद है ही सही 20 अगस्त आता है तो। और ज़िंदगी में ये जो चीज़ें हैं अप्स एंड डाउन जो है नॉर्मली आते रहते हैं। मुझे याद है कि जैसा आप बता रहे जो मैसेज मिला था तो एक नॉर्मल मैसेज समझ, क्योंकि हमने बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन किए, उस्ताद का, T-36 का, मछली का, आपके जो लाइटनिंग थी उसका, तो ये एक पार्ट ऑफ अपना मैनेजमेंट और ये कहना चाहिए सर्विस का एक पार्ट था। जैसे जैसे नंबर बढ़े तो ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि एरिया को लेके टाइगर में जो है आपस में, तो उसमें क्या है कि जैसे जैसे मैं बताऊँ टाइगर पॉपुलेशन बढ़ी तो कुछ चीज़ें और राइज हुई, जो मैनेजमेंट का ही पार्ट है उसको आपको मैनेज करना, जैसे टाइगर का बाहर निकलना। टाइगर एक परफेक्ट टेरिटोरियल एनिमल है, जब तक बच्चे होते हैं तब तक प्लेफुल होता है एक दूसरा, जैसे ही वो अडल्ट शेप में जाता है तो डेफिनेट उसको खुद को अपना अपनी टेरिटरी बनानी होती है। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मेल में ज़्यादा होती है, मेल में, इसलिए फीमेल में मैंने देखा अमूमन मदर थोड़ा बहुत पार्ट जो है फीमेल को अपने को नियर बाई एरिया में दे देती है, अगर उसके पास सफिशेंट टेरिटरी है। जैसा 19 का 2-3 दफ़ा देखा, 16 का देखा, 30 का देखा, सभी का देखा, बट मेल में जो है उसको दे हैव टू डिस्पर्स, फादर इज़ नॉट अलाउड। और ये नेचुरल भी है प्रोसेस, मैंने देखा कि इधर वाले जो मेल जो जो भी हुए हैं सब अडल्ट एज में वो खंडार की तरफ चले गए, खंडार वाले मेल इधर चले गए, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जैसे सुबह मैसेज मिला कि भाई एक टाइगर जो है बाहर निकल गया, बूढ़ी पहाड़ी एक गांव है बनास के किनारे, और एक भैंस को मार दिया है, तो हम अपना पूरा किट विट लेके जो 4-5 आदमी की टीम थी उसको लेके तुरंत रवाना हुए। तो वो एक नॉर्मल था, भाई चलेंगे ट्रैंकुलाइज कर देंगे या उसको पुश कर देंगे, नॉर्मली ट्रैंकुलाइज द लास्ट ऑप्शन, पहले हम चाहते हैं कि भाई हल्ला करके वो करके उसको टूवर्ड पुश कर दें। तो मुझे याद है कि
हमने सबसे पहले क्रैकर लिए जो सूतली बम जिसे बोलते हैं, और वेटनेरियन थे मिस्टर डॉक्टर गर्ग हैं जो बहुत ही लंबे टाइम से एसोसिएट हैं और उनको भी काफ़ी रुचि रहती इन चीज़ों में, उनको मैंने लिया। और हम निकल रहे थे तो कल जब आप गए थे गणेश धाम जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से मुझे याद है कुछ केले और कचौरी हमने लिया, क्योंकि ऑपरेशन का कुछ पता नहीं होता कब तक चलेगा, शाम को होगा दोपहर को। और मैं डॉक्टर साहब से मजाक कर रहा था, मैंने डॉक्टर साहब खा लो फिर पता नहीं कब मिलेगा खाने को, मुझे याद है मुझे फिर 5 महीने बाद मिला था खाने को। तो हम गए वहाँ पे तो जाके देखा तो टाइगर एक्चुअली वहाँ बाजरे, अगस्त का महीना था, काफ़ी घास फूस थी, बाजरा था 4-4 फीट का, उसमें हाइड किया हुआ था और उसमें ट्रैंकुलाइज करना संभव नहीं था। जैसे आप ट्रैंकुलाइज में क्या है कि आप फायर करोगे स्टक हो जाएगा कहीं हट जाएगा। तो हमने कोशिश की क्रैकर छोड़ के भगाने की और वो भगा भी सही, टूवर्ड जंगल की तरफ ही भगाओ, जंगल वहाँ से ज़्यादा 1 किलोमीटर था। बट पब्लिक ने उसमें टाइगर का दोस्त मानता हूँ मैं, जितना भी दोस्त है वो लोकल पब्लिक का था, वहाँ पे करीब 3-4 हज़ार आदमी इकट्ठे हो गए, दे सराउंड ऑल दिस एरिया, लोग पेड़ों में चढ़ गए, पत्थर फेंक रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। पुलिस फोर्स भी थी पर वो भी कैपेबल नहीं थी उनको रोकने में किसी करने में। और वैसे प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि भाई आप जब भी जाते हो तो व्हीकल में जाइए, सेफ होके जाइए, बट क्योंकि वो रेवाइंस एरिया था, जब हमने डिस्कस किया और हमारे डिप्टी डायरेक्टर भी थे और मेरे कलीग्स भी थे वहाँ पे, हम भी स्टाफ काफ़ी था, तो जब हमने ये चीज़ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा नहीं करना ही है इसको, अदरवाइज या तो किसी गांव वाले को मारेगा या फिर टाइगर को ही गाँव वाले मार देंगे किसी के लिए, तो इसके तो फिर वो पैदल जाना पड़ा, विच इज़ एक्चुअली इट इज़ नॉट इन प्रोटोकॉल। मुझे आज हंसी आती है इस बात पे कि जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो बहुत से लोगों ने बहुत चीज़ें लिखी, बहुत चीज़ें कमेंट्स भी की कि भाई उनको पैदल नहीं जाना चाहिए था और टाइगर के बिल्कुल पास चले गए। ये पैदल जाके पहला मौका नहीं था मैंने, इससे पहले भी 2-3 टाइगर पैदल जाके, उस्ताद को भी पैदल जाके ट्रैंकुलाइज किया था, T-36 को रेलवे कॉलोनी में पैदल, तब सबने अप्रिशिएट किया था क्योंकि वो पकड़ा गया था पहले। एंड आई रिसीव द नंबर ऑफ फोन कॉल फ्रॉम द डिफरेंट दिल्ली से भी वहाँ से, अरे वेल डन तुमने अच्छा किया बहुत अच्छा किया। पर दुख इस बात का होता है कि जब ये हुआ तो लोगों को जो भी हुआ कर मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ। हम वहाँ पैदल गए और बाजरे में से क्रॉस होके और एक माउंट था उस पर चढ़े, वो टाइगर तो मैं करूँ इतना इंटेलिजेंट है एनिमल को, उसका हमारे को उसको सब पता था कि कोई 2-3 आदमी आ रहे हैं, तो टाइगर का जो हियरिंग है और साइटिंग है बहुत एक्यूट होता है, तो उसको ये सब चीज़ें थी, नियर बाई था वो। जैसे हम माउंट पे चढ़े, चढ़ते मैंने देखा टाइगर जो है वो करीब ज़्यादा मतलब 40-50 फीट की दूरी पर बैठा हुआ था, तो जैसे ही उसका वो हुआ देखा मैंने उसको टाइगर को, तो मैं अपनी एक उससे पहले एक बार हम वी हैव ट्राइड टू फायर इट, हमने किया भी था बट वो प्रॉपर स्टक नहीं हो पाया था क्योंकि वो बाजरे में था तो कहीं हुआ, और फिर लोग वागू ने हो सकता वो लगा भी था क्योंकि जब हमने वापस रिकवर किया था सिरिंज तो वो नीडल बिल्कुल तिरछी हुई थी, कहीं बोन ओन पे स्टक हुआ होगा, और फिर लोगों ने इतनी पत्थरबाजी की, इतना हल्ला मचाया कि वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो जब वो हम ऊपर चढ़ रहे थे और हमने देखा कि भाई टाइगर जो है ऐसे इतनी दूरी पे है, तो उसको मैं थोड़ा और बेटर तरीके से देखना चाह रहा था जहाँ से फायर प्रॉपरली हो जाए। तो मैं जैसे ही आगे गया तो टाइगर ने थोड़ा सा स्नार्ल किया, घूर रहा है मतलब थोड़ा स्नार्ल किया, और वो अपने आप मूव हो गया टूवर्ड्स हमारे अपोजिट से, तो हमने सोचा चला गया। मैंने अपने जो साथ खड़ा हुआ था उससे पूछा, मैंने कहा यार वो जो टाइगर था वो निकल गया है और अब यहाँ क्या करना चाहिए अपने को, इस तरह हम बात करें। इतने में तो एक साउंड हुई, रोर हुआ टाइगर का, क्योंकि लोग बाग पेड़ों पे चढ़े हुए थे, चारों तरफ पब्लिक हो रही थी, नीले पीले काले डिफरेंट ड्रेसेस, कलरफुल ड्रेसेस थे, तो एकदम साउंड हुआ, तो साउंड ऐसा लगा जैसे हमारे सामने की तरफ आया, और इससे पहले कि कुछ हो पाता टाइगर बिल्कुल एकदम 3 फीट दूरी से एकदम निकला, इमर्ज हुआ, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब इतना तेजी से निकला कि कुछ समझ में नहीं आया भाई क्या हुआ। और तो जो नेचुरल होता है वो हुआ, तो एकदम मैंने दूर से, आप देखेंगे फोटोग्राफ्स में जो लिए हैं, कुछ कवर कर रहे थे उसको स्टोरी को, तो जैसे ही हुआ तो उसने मैंने एकदम नेचुरली हाथ दिया इसे, जिसमें राइफल थी, तो उसने मेरा ये राइट, आप देखेंगे K9, उसने ऐसे हाथ पकड़ा जो में, और फिर उसने एकदम ब्लो किया जो थी,
उसके बाद क्या हुआ उस वक्त कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। मैं गिरा, पर मेरे साथ तीन थे मेरे जो फ्रेंड्स थे, मतलब स्टाफ जो था, राजवीर, हुकम चंद और तुलसीराम, ये तीन थे। तो उन्होंने बड़ी हिम्मत की और फेंक के उस पर लाठी मारी, तो टाइगर वॉज फ्राइटन, टाइगर भी डरा हुआ था, उसको भी निकल के भगना था। तो जैसे ही उसको लगा कि यार कुछ चीज़ें बाहर से कुछ गिरी है, तो एकदम उसने रोड किया जोर से, दहाड़ा ऑम करके वो भग लिया। तो मैं एकदम, मुझे लगा यार कोई वेट था मेरे ऊपर बहुत सारा भारी, 200-250 किलो का मेल होता है। तो एकदम मुझे लगा जैसे कोई, मैं एकदम फ्री हो गया। तो मैं एकदम खड़ा हुआ, खड़ा होते ही पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जैसे ही मैंने अपने ऐसे वैसे देखा तो शर्ट नहीं थी मेरी और एक बनियान थी केवल, तो वो ब्लड ऐसे गिर रहा था जैसे किसी ने टैप खोल दिया। तब मैं सोचा कि क्या हुआ एकदम। और जैसा अब तक सुना था कि भाई जैसे ट्रॉमा होता है इस तरह का एक्सीडेंट, तो आपको पेन नहीं होता। तो फिर मैंने एकदम जैसे हुआ तो ये सॉकेट टूट के आई बोल बाहर निकल के ऐसे चिक के यहाँ लटकी हुई थी, पूरा सॉकेट ये पूरा आपका करके नाक वाक सब हो के, ये मतलब 12 पीसेज ऐसे हो गए। तब मैं थोड़ा सा मतलब डरा एकदम, मैंने कहा क्या हो गया। और ऐसे फिर मैंने इस बीच में मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने एब्यूज भी किया, गालियाँ निकाली भाई, नेचुरली वो तो भग गए भाई अकेले को छोड़, मुझे लग रहा था भाई मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, तो मैंने एब्यूज किया, मैंने कहा छोड़ के भग गए, कुछ गालियाँ वालियाँ भी थी। बट जैसे मुझे फिर लोग भग के आए और उन्होंने कहा आप हिम्मत रखो कुछ नहीं होगा, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर थे वो भी आए, मेरे कलीग थे मिस्टर यादव वो भी आए। तो वो आज भी कहते हैं कि जैसे हम आया आपका फेस देखा तो दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई, फेस इस तरह बिल्कुल वो डैमेज हो गया था। फिर उन्होंने कहा अरे आँख बाहर आ गई, आँख अंदर डालो, ये सब कुछ हो रहा था। तो उस वक्त हल्का सा पेन स्टार्ट हुआ, मतलब ग्रेजुअली थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ। तो हमारे साथ जो डिप्टी डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि दौलत सिंह शेखावत साहब थे, उन्होंने कहा हिम्मत रखो कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा जी मैं नहीं बच सकता, पता नहीं मेरी इनर फीलिंग हुई जो ब्लडिंग हो रहा था, पर मैंने कहा मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, कुछ करो इसके लिए। वो उन्होंने बाद में बताया कि यू रिपीटेड मोर देन 10 टाइम्स। अब ये पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया। फिर मैंने वो आँख वाँख को ऐसे ज़ोर से पुश किया, मेरे दो गमछा बांधा, ये सब कुछ किया हमने और बांध के। और फिर बाद में उन्होंने इमीडिएटली उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की और भाई इस तरह हादसा हो गया, ऊपर तक भी ये मैसेज वेसेज गया हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस्टर मेहरोत्रा थे उस वक्त भी। और ये सब कुछ जब तक मैं हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि 35-40 किलोमीटर दूर थे, हम वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में, तब तक 8 यूनिट ब्लड जो है वो उन्होंने इकट्ठा किया होता था, एक हाथ में और एक पैर में उन्होंने किया। जैसे ही डॉक्टर साहब के पास गए तो फिर हमने डॉक्टर साहब को कोशिश की, मैंने कहा जी मेरे को बेहोश करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो उस वक्त हमारे एक तो मेरे साथी थे जो रेंज अफसर थे मिस्टर हाडा, और एक मेरे मित्र थे जिनकी जगह पे हम बैठे हुए हैं मिस्टर पारा सर, एमडी पारा सर जी। तो उनको भी मैंने कहा यार मेरे को कुछ करो, मेरे को बेहोश कराओ नहीं तो मैं मर जाऊँगा, ऐसे टूटी फूटी लैंग्वेज में की। बट जो भी हुआ उन्होंने प्राइमरी जो भी करना होता फर्स्ट एड, उन्होंने बाद में उन्होंने बताया कि आपके जितने भी जो पीसेज थे उसमें उन्होंने सुन के इंजेक्शन लगाए। मीनवाइल मैं आज भी, मैं और मेरी पूरी फैमिली, मेरे पूरे दोस्त लोग सब शुक्रगुजार हैं गहलोत साहब के, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे। मैं इसी सवाल पे आने वाला था, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि जब ये हादसा हुआ था दौलत जी के साथ में, तो जो उस टाइम के और अभी के भी जो करंट में जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अशोक सिंह गहलोत, उन्होंने अपना प्राइवेट प्लेन इनको दिया था, हालांकि वो दिल्ली जा रहे थे एक मीटिंग के लिए। जब उनको ये खबर मिली तो पता चला कि ऐसा हादसा हुआ है सर के साथ में, ही स्टेप बैक, उन्होंने शायद अपनी मीटिंग सर पोस्टपोन कर दी थी, मीटिंग पोस्टपोन करके उन्होंने अपना जो प्लेन है वो सर को दिया था। और सर उस टाइम पे मेरे को पता था कि बारिश का भी बहुत टाइम हो रहा था भाई, उस वक्त जो है गहलोत साहब का दिल्ली कोई प्रोग्राम था जैसा बताया गया था कि वो जो ऑफिशियल प्लेन होता है 6-सीटर प्लेन जो था उनका, वो उन्होंने प्लेन जो है अपना प्रोग्राम कैंसिल करके सांगानेर से तुरंत यहाँ भेजा, यहाँ एयर स्ट्रिप है। तो उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, तो वहाँ से लोकल पब्लिक का इतना ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि वो था सेंटीमेंट्स और उनकी दुआएं थी कि उन्होंने वो पूरी एयर स्ट्रिप जब तक पुलिस फोर्स पहुँचती साफ ऑफ कर दी थी। वंडरफुल सर। तो वहाँ इतना पानी भरा हुआ था कि उस पर उतारना बड़ा मुश्किल था। बाद में जब मैं SMS में था तो वो जो पायलट थे वो आए थे मेरे से मिलने, उन्होंने कहा कि मुझे उस वक्त हम दोनों ने जब डिस्कस किया पायलट को, पायलट तो ऐसा लग रहा था कि भाई बड़ा मुश्किल है, पर मैंने माता जी का नाम लेके
और वो उतार दिया था पूरा, और हम आपको लेके आ गए थे। और जब मैं पहुंचा तो उस वक्त थोड़ी देर बाद सीएम साहब भी वहाँ आए, और उसके बाद देखो आई गॉट वेरी गुड ट्रीटमेंट पूरा जो है, बट वो मेरा 72 घंटे बाद ऑपरेशन हुआ, क्योंकि इस बीच में जो रेबीज का जो था, सब डॉक्टर्स का ये मानना था कि पहले रेबीज का ट्रीटमेंट होना चाहिए और उसके बाद में फाइनल जो जो भी ऑपरेशन होने चाहिए, क्योंकि अगर अगर रेबीज एक्टिवेट हो गया बीच में तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। बट उसमें यही हुआ कि जो आई लॉस दैट राइट आई, और फिर अपोलो में भी मेरा ट्रीटमेंट हुआ, उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तो रवि सिंह जी का, जो अभी CEO हैं WWF के, ही हेल्प मी लॉट। और जाके उन्होंने अपोलो में जो है ट्रीटमेंट कराया, SMS में स्टेट गवर्नमेंट ने उस वक्त ट्रीटमेंट कराया, आर्टिफिशियल आई डली। आज की तारीख में मेरे 3 प्लेट और 22 स्क्रू डाल के और राइट फेस को रिकन्स्ट्रक्ट किया है, और मैं हेट और चश्मा लगाया हूँ इसलिए वो थोड़ा सा छुपा हुआ है। बट लोगों ने कहा कि बहुत ऐसा ट्रीटमेंट किया जिससे मेरा वापस फेस जो है करीब करीब आपको उसी शेप में जो है ला दिया, और घर वाले पहचान जाते कि वही दौलत सिंह है। हम इस शो पे 2 ऐसे खास टाइगर्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली जिनमें से एक ने रणथंभौर में आने वाले हर पर्यटक का दिल अपने जीवन के संघर्ष से जीता, जिसका नाम मछली, आप जिसको जानते होंगे प्यार से, T16, और दूसरा अपनी गलत आदतों की वजह से मशहूर हुआ था। उसने गांव वालों के दिल में और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के दिल में दहशत मचा के रखी हुई थी। T24, मैं उस्ताद की बात कर रहा हूँ जिसको सर ने ही रिलोकेट किया था। सर, मछली के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है, आई थिंक सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी टाइगर का देखा जाएगा तो आई थिंक यू विल एग्री विद दिस पॉइंट कि मछली का ही रहा है। एक्चुअली क्या है कि आप जैसे रणथंभौर में जब भी कोई विजिटर आता है जी, या टूरिज्म एरिया देखता है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन लेक के आसपास होता है, जैसे भाई 3 नंबर जो है VIP है। हर टाइगर का एक अपना प्राइम टाइम होता है, जैसे फीमेल 3 साल की सेक्सुअल मैच्योर हो जाती है, मेल 4 साल का सेक्सुअल मैच्योर होता है, तो एज के बाद में वो अपनी एक टेरिटरी बनाते हैं, और टेरिटरी में वो बेस्ट टेरिटरी में वो जो है ना बेस्ट एरिया जो है ऑक्यूपाई करते हैं, उनकी ट्राई होती, हम भी करते हैं इस चीज़ में। तो बेसिकली वो हम तो लॉन्ग लाइफ तक रहते हैं कि जो मैंने बनाया उसमें मैं टिल डेथ उसमें, पर टाइगर के लिए ऐसा नहीं है। टाइगर की ज़िंदगी बहुत संघर्षमय होती है, कहने को वो जंगल का राजा है, बट एक्चुअली वो जंगल का राजा जो है वो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। वो इसलिए होता है कि जैसे उसने अपनी एक टेरिटरी बनाई, तो टेरिटरी के बाद जो है आप देखेंगे कि 3 से 4 साल से ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाता वो जी। किसी को बेस्ट टेरिटरी को कोई भी टाइगर 3-4 साल से ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी एज ढलने को होती है तो दूसरा यंग टाइगर आ जाता है, वो उसको पुश कर देता है। इसमें मछली एक अपवाद है, वो इसलिए अपवाद है, या आप उसको ये मान सकते हो कि उसका इमोशन जो है इमोशन लेस मदर थी वो। अच्छा, वो इसलिए लोग बाग चाहे इसको माने या नहीं माने, वो बताऊंगा इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको। उसने जब पहले लीटर के बाद में जब लेक एरिया ऑक्यूपाई किया, लास्ट में जब उसका आखिरी समय आ गया था, मतलब उससे पहले तक उसने जो है वो एरिया छोड़ा ही नहीं, मतलब उससे ज़बरदस्ती छुड़वाया गया था T17 ने। और इतना लंबा कोई भी टाइगर 10 साल तक उसने जो है लेक एरिया को रिटेन किया, जो आज दिन तक कोई टाइगर इतने लंबे टाइम तक चाहे वो मेल हो या फीमेल हो एक पर्टिकुलर एरिया को रिटेन कर पाए। वो मछली इसलिए इतनी फेमस हुई, इसलिए इतने फोटोग्राफ हुए कि बिकॉज शी ऑक्यूपाइड द प्राइम एरिया ऑफ द रणथंभौर टाइगर। और मुझे याद है कि जब लास्ट लीटर में उसकी 3 फीमेल थी, 17, 18, 19, ठीक है सुंदरी, तो 17 ने जब कैप्चर कर लिया था, 18, 19 को भी पुश कर दिया था, 18 गुड़ा पुश कर दिया था, 19 को लापुर में पुश कर दिया था, और 17 ने मदर को भगाना चाहा, मदर नहीं भगी, मतलब उनके बीच में इतना ज़्यादा चलता था कि जैसे एक बार कहते ना वो ढीट हो जाना, मतलब वो ऐसे करके बिल्कुल ऐसे कहती थी नहीं जाऊँगी इसको छोड़ के, उसी का एरिया मेरा ही है। हाँ, हालांकि लास्ट में उसको जाना पड़ा क्योंकि ये नेचर लॉ है, और उसको जाके फिर वो लकड़दा में हो गई, लकड़दा के बाद फिर वो जोका में हो गई, जोका के बाद आमा घाटी हो गई, वो शिफ्ट होती रही। उस बीच में डिपार्टमेंट का भी उसको सहयोग रहा कि जब वो डिसेबल से हो गई थी तो फूड सप्लीमेंट ये करते रहे, इसलिए
सी सर्वाइव अप टू 18-19 ईयर तक, जो नॉर्मली टाइगर नहीं करता, जो नेचर में टाइगर की 14-15 साल से ज़्यादा नहीं होती, और कैप्टिविटी में 18-19 साल, क्यों मैं जू सुपरिटेंडेंट भी रहा उदयपुर, और हमने देखा 17-18 साल 19 साल। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि इतने लंबे टाइम तक उसने अपने इस एरिए को रखा, और उसको इससे मतलब नहीं था, उसने अपनी बेटियों को भी कहा भाई तुम जाओ अपना काम करो। अब आपको कि भाई इमोशनल लेस कैसे थी वो, उसी की बेटी 19 सुंदरी से के साथ, जो सुंदरी थी 17 18 और 19 आज की तारीख में 19 ने 3 लीटर दिए और 2 लीटर में 4-4 बच्चे दिए, 3 लीटर में 11 बच्चे दिए उसने, ठीक है, सदा बड़े लीटर दिए। और आप इसका एक एग्जाम्पल देखोगे, उसको मैं कह सकता हूँ कि वो सेंसेबल माँ है। उसने क्या किया, लापुर में फर्स्ट लीटर दिया जिसमें 63, 64, 65 नंबर हुआ, उसने लापुर 63 के लिए छोड़ दिया अपनी बच्ची के लिए, फीमेल के लिए, एंड सी ऑक्यूपाई द लेक एरिया, ठीक है। इस यहाँ दूसरा उसने दिया एरोहेड, लाइटनिंग और जो पेक में ना आपका दिया इनको 83, 84, 85, ठीक है, 83, 84, 85। तो उसने, जबकि वो इतनी कैपेबल थी कि उस वक्त एरोहेड जो 84 है उसको पुश आउट कर सकती थी, पर उसने ये लेक एरिया जो सबसे प्राइम है 84 के लिए छोड़ दिया। ये एक मतलब जो नेचर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि टाइगर जैसे करें व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ टाइगर, तो लोगों ऐसा कोई जैसे हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है, तो टाइगर का भी बिहेवियर इंडिविजुअली चेंज होता है। तो उसने फिर वो चले गई असेंबली में फिर 3 बच्चे दिए, फिर असेंबली 4 दिए थे, इन दोनों में 4-4 लीटर दिए थे, इनिशियली 1 बच्चा खत्म हो गया था, फिर असेंबली में 4 बच्चे दिए, फिर फीमेल के लिए उसने असेंबली भी छोड़ दिया। तो जहाँ जहाँ गई वो उसने अपनी टेरिटरी एस्टेब्लिश की, और उसके बाद में उसने अपने जो बच्ची के लिए फीमेल के लिए सारा ही रख। तो ये जो बिहेवियर जहाँ हम बात करते हैं टाइगर, तो कुछ तो कॉमन बिहेवियर तो सब में एक जैसा होता है, बट कुछ इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे आप उस्ताद की बात कर रहे हैं, खतरनाक उस्ताद, अगर आप लोगों ने देखा होगा कभी भी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ है उस्ताद के, आई थिंक उससे बड़ा टाइगर साइज में आज तक मेल टाइगर मैंने नहीं देखा इन 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 द जंगल, जू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उसको ट्रैंकुलाइज किया था सर ने एक बारी रिलोकेट करने के लिए, बट बहुत कम ये लोग जानते हैं कि जब उस्ताद को ट्रैंकुलाइज किया गया था, जो कैटोमीन ज़ाइलोजिन का मिक्सचर जो आपने उसको डार्ट मार के दिया था, वो बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, तो क्वांटिटी जो थी वो पूरी नहीं मिली थी। हाँ, बॉडी वेट से हमने कम दिया था ज़्यादातर। एक्चुअली क्या होता है कि ट्रैंकुलाइजेशन जो है वो लास्ट ऑप्शन होता है नॉर्मली, कभी कभी बड़ा रिस्की भी होता है, जैसे आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बॉडी वेट पे नहीं दे पाते हो तो वो ट्रैंकुलाइज नहीं होता, कभी ओवरडोज होता तो फेटल होने के चांसेज भी हो जाते। मुझे याद है कि इस बुक में मैंने एक चैप्टर लिखा है, उसमें पूरा इसका शुरू से लेके और लास्ट तक मैंने कोशिश की है उस्ताद के बारे में लिखने की। और मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने इसको शूट किया था 2008 में नॉन टूरिज्म जोन में। अच्छा। तब ये तीनों भाई, तीनों बच्चे मेल थे, इनकी मदर थी T22, उनके साथ चारों को एक वाटर बॉडी पे मैंने देखा गर्मी में मई में, और वो चारों मदर से बड़े लग रहे थे, तीनों जो थे मेल, और वो सेपरेशन पे थे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं उसको शूट कर रहा था तो बाकी तीनों तो चले गए थे, ये वाटर होल से उठ के नहीं गया था एक मेल, और जब भी मैं क्लिक करता था ये स्नाल करता था, लिटिल बिट एग्रेसिव उनको छोड़ के। तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था हमारे साथ, यार इसको क्या प्रॉब्लम है ऐसे। जब मैंने ये लिखना स्टार्ट किया स्टोरी, तो एकदम मेरा दिमाग क्लिक किया, मैंने अपने हार्ड डिस्क में से वो फोटो निकाला, और जब मैंने मिलाया तो देखा वो जो स्नाल कर रहा था बार बार, वो T24 था। अच्छा। तो अपनी यंग एज में ही ये अपने भाइयों से थोड़ा सा हटके था, थोड़ा सा एग्रेसिव था। जो आप कह रहे हो ट्रैंकुलाइजेशन का, इसका एक्चुअली ये जब सवाई मानसिंह सेंचुरी में था और अपनी टेरिटरी सर्च में इधर उधर घूम रहा था, तो इसका घाव हो गया था पंजे में, और उसमें पीप मवाद होती है ना वो पड़ गई थी, इज डिसेबल टू वॉक। तो उस दौरान हमने इसको जब ट्रैंकुलाइज किया था, तो हम कयास लगा रहे थे कि भाई क्या बॉडी वेट होगा इसका, और जब हमने आपस में डिस्कस किया सबने, तो सबने कहा भाई 3 साल का है, 200 से कम होना चाहिए। तो हमने इसको 5 ml ज़ाइलोजिन और केटामिन का मिक्सचर लगा के इसको लगाया, इसको डार्ट लगा, एकदम इसने साउंड किया और कूद के गया और थोड़ी दूर जाके बैठ गया। पर जब मेरा साथी जो आज थे, जो फॉरेस्ट गार्ड
राजवीर था, मैंने उससे वैसे ही पूछा, मैंने कहा तेरे को क्या लगता है भाई, तो उसने कहा सर ज़्यादा लगता है, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि ज़्यादा है। तो हमने 1.5 ml जो है मिक्सर अलग से भर के हमने डाट तैयार की हुई, सेकंड डाट ऐसी, जब हम गए उसके पास और जब अप्रोच करने लगे तो उससे पहले मेरे दिमाग में आया क्या होता है जब डाट करते हैं तो एकदम टेम्परेचर राइज होता है, तो फिर हम गीला कपड़ा टाट करके डालते हैं ताकि टेम्परेचर कंट्रोल हो। तो हमने वो, मैं मुझे याद है शायद वो फोटोग्राफ भी होगा इस बुक के अंदर आप देखेंगे तो मैं और राजवीर दोनों हम जा रहे थे, तो मैंने एक पत्थर उठाया और उसके ऐसे कंकर छोटा सा कंकर ऐसे ही मारा फॉर जस्ट टू टेस्ट, हाँ, और इसने एकदम गर्दन ऊंची कर ली, तो हम एकदम सभी जने में अकड़म मच गया एकदम, क्योंकि तो मतलब ये पूरी तरह बेहोश नहीं हो पाया था क्योंकि वो लगा भाई डार्ट कम है, फिर हमने वो सेकंड डार्ट तुरंत ही करके इसके लगाई वहीं पैदल में, तो आप कहें पैदल वाला मामला, तो ये भी पैदल ही था, तो वो किया डार्ट और फिर थोड़ी देर बाद ये बेहोश हो गया। जब इसका वेट लिया था हमने, जब ऑपरेशन किया था इसको, तो ये वेट वॉज करीब 230 के आसपास था, तो मतलब ये करीब 25-30 किलो ज़्यादा था। तो ये सब चीज़ें जो है आपका एक्सपीरियंस, जैसे डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस से फायर करना है, तो आपको ओकुलर डिस्टेंस प्रॉपर होनी चाहिए तभी आपका फायर जाएगा, क्या बॉडी वेट है, तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आती है आपको कि भाई क्या है लोग वहाँ इसको कर पाते हैं। तो जो आप उस्ताद की बात कर रहे हैं, एक्चुअली लोगों ने खूब कहा ये मैन ईटर हो गया, मैं उसको मैन ईटर नहीं मानता, हालांकि उसने ऐसे एक्सीडेंट हुए, आप किताब में जाके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, बट एक जो फियर होता है वॉज नॉट अ मैन ईटर, बट जो एक फियर होता है वाइल्ड एनिमल में, स्पेशली टाइगर और लेपर्ड में, आदमी से डरता हूँ, तो बेसिकली इसको जो है वो जो फियर था ना, ही लॉस द फियर बाई द ह्यूमन बींग्स, और जब जब भी इसकी कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आया उसने उसको मार दिया, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। मैन ईटर ऐसे कभी, आप एक चीज देखेंगे जरूर कि इसने मतलब तीन कैजुअलिटी तो पक्का है, चाहे लोग इसको एक का डाउट है कि भाई इसने किया जैसे जो भी, बट अगर मैन ईटर होता है कोई भी एनिमल तो वो रेगुलर वही काम करता है, जबकि इसका एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड के बीच में साल साल डेढ़ डेढ़ साल का रहता है। बाकी जब जब भी इसका जो एरिया था, स्पेशली किले के और पीछे वाला एरिया, वहाँ हजारों आदमी परिक्रमा लगाते थे, ये करते थे, उन पे कभी नहीं किया, पर जब जब भी हुआ ये एक्सीडेंटल हुआ, कि जब भी कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी में गया, ये दुर्भाग्य था इस पार्क का भी, उन आदमियों का भी, क्योंकि जो दो फॉरेस्ट वाले हुए दे आर वेरी क्लोज टू मी, दे हैव सर्व्ड नंबर ऑफ ईयर्स विद मी ऑल्सो, जो जब मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था रामपाल जिसके बाद, तो तब से ही था, गीसू सिंह ही इज़ वेरी गुड वर्कर, तो ये चीज़ें हुई, बट इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है। सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप रहे होंगे तो चैलेंजेस तो आपके सामने बहुत ज़्यादा आए होंगे, आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन हैज़ ऑलवेज बीन रिलोकेटिंग द विलेजेस जो कि एक नेशनल पार्क या एक टाइगर रिजर्व के बाउंड्री पे हैं या बफर जोन में पड़ते हैं, आपका क्या कहना है सर इस बारे में? देखो मैं बताऊं, ये काफ़ी लंबे टाइम से डिबेट चल रही है और चलती भी रहेगी, कि कुछ लोग मानते हैं कि आदमी और जानवर मतलब टाइगर जो है साथ साथ रह सकते हैं, पहले भी रहते आए, पर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मैं इसलिए नहीं मानता कि पहले जंगल बहुत थे, उसमें छोटे छोटे पॉकेट्स थे आदमी के, तो वो एक दूसरे को कहीं डिस्टर्बेंस उनका होता नहीं था नॉर्मली। आज जंगल सिकुड़ गए हैं, आबादी बढ़ गई है, तो जंगल के अंदर तो ये आज की तारीख में इट इज़ नॉट गुड मैनेजमेंट, जो भाई गांव भी रह रहे हैं और टाइगर भी, इतने बड़े जंगल है नहीं आपके पास। और आज रणथंभौर जो निकल के आया है ना, शायद बहुत कम लोगों को पता है कि 1976 में जो 12 गांव रिलोकेट किए गए थे, वही आज रणथंभौर की शक्ल को बदल दिया है। सरिस्का में भी ये प्रयास चला था, वहाँ भी 11 गांव थे पर उसमें से एक ही रिलोकेट हो पाया। अगर सरिस्का में भी हो जाता तो सरिस्का भी आज रणथंभौर से पैरेलल ही होता, कम नहीं होता। बट ये क्रेडिट में उस वक्त जो लेट फील्ड डायरेक्टर रहे हमारे मिस्टर फतेह सिंह राठौर, उनको ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उस वक्त जो भी उन्होंने मैनेजमेंट के साथ मिल के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के, पुलिस और सबके साथ मिल के, और 12 गांव उन्होंने रिलोकेट जो किए, उसी से ये आपका जो कोर है ये बिल्कुल निकल के आया, और वो आज रणथंभौर इसमें
सबसे मुश्किल काम मैनेजमेंट के सब काम है, प्रोटेक्शन है, वाटर मैनेजमेंट है, इंक्रोचमेंट वो सब बहुत सारे चीज़ें हैं, बट रिलोकेशन विलेज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। वो इसलिए कि आज आपके घर से आपको अगर हटाया जाता है तो आप ही का दिल करता है कि यार ये तुमने तो मेरे बाप दादे रहे थे। सेंटिमेंटल अटैचमेंट तो होती है स्पेशल ओल्ड में, हम लोगों में बहुत ज़्यादा है ये। किसी को कहो तो बुजुर्ग कहेगा था मैं तो यहीं पैदा हुआ, यहीं मरना चाहता हूँ, ये तो हालांकि ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि वो जंगल के अंदर रह रहे हैं तो पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, उनको दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे आज भी याद है कि मैं सरिस्का में एक रास्का करके गाँव हूँ, वहाँ एक बार कैसे भी पांडुपोल से एक छोटी सी मारुति 800 चली गई थी, तो हमने पूछा बाबा कल कोई गाड़ी आई थी, उसने साहब गाड़ी तो नहीं आई, गाड़ी का बच्चा आया था। मतलब उसको गाड़ी तो ट्रक को ही समझते हो तो उसने कहा सर गाड़ी का, मैंने कहा तूने बोला था पहली बार इतना गाड़ी का बच्चा देखा मैंने। तो मेरा कहने का मतलब वो जो लोकल जो लोगों से इतने कटे हुए हैं उनकी ज़िंदगी एक अलग से होती है। चलिए सर एक आखिरी सवाल आपसे। सर मैं आपके जोश को सलाम करता हूँ, ये आपका प्यार ही है कि घायल होने के बावजूद हॉस्पिटल से जैसे ही आप डिस्चार्ज हुए आपने उस टाइगर को सरिस्का रिलोकेट किया। पता चला था कि आपको घायल करने के बाद T7 केलादेव के अंदर उसको देखा गया है। मुझे पता चला है कि आपने बहुत चलाकी से इस बार उसे पकड़ा था, थोड़ा बताना चाहेंगे उसके बारे में सर? जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, देखो ये कोई उससे कोई लव एंड अफेक्शन वाली बात नहीं, बेसिकली टाइगर खुद वहाँ से निकलना चाहता था, तो ही वाज सो फ्राइटन अपनी ज़िंदगी से। आप एक बिल्ली को कमरे में कैद कर लेंगे तो वो इधर उधर दौड़ेगी निकल, तो टाइगर का तो इसमें कोई फॉल्ट था ही नहीं, अगर उसको आप जगह दे देते तो वो तो निकलने को तैयार था। जो भी हुआ पब्लिक ने जो न्यूसेंस किया उस दिन वो काफ़ी गड़बड़ था, पर जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने अपने सीनियर ऑफिशियल से बात की, तब मुझे एज ACF आई वॉज पोस्टेड इन कोटा, रिसर्च ऑफिसर लगा दिया था मेरे को, और मैं वहाँ रहना नहीं चाहता था, बट सीनियर्स ने देखा कि भाई इसके घर लगा दो इसको, तो वहाँ अब नौकरी कर लेगा, बाकी 8-9 साल बच रहे थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, पहले तो मैंने कहा सर ये जो आप रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हो मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे याद है पहले तो वो हंसे भी थे कि क्या पागल क्यों जाना चाहते हो, मैंने कहा सर मेरा दिल कह रहा है, मेरी दिल की इच्छा है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। फिर मैं वहाँ गया, मुझे याद है कि सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर, केवलादेव नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर और WII की जो पूरी टीम थी, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर शंकर, वो सब लोग थे, और हम लोगों ने वो करके, और इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो टाइगर एक्चुअली ये पहले मथुरा चला गया था। जब मैं अंडर ट्रीटमेंट था तो सितंबर में, ये अगस्त में हादसा हुआ, सितंबर में एक न्यूज़ निकली टाइम्स ऑफ इंडिया में कि एक टाइगर ने मथुरा में कुछ लोगों को मतलब मॉक चार्ज किया, ये किया, वहाँ ट्रैक वेक किया, नहीं मिला। 10 अक्टूबर को अचानक केवलादेव नेशनल पार्क में पगमार्स मिले स्टाफ को टाइगर के, तो उन्होंने कहा यहाँ कहाँ टाइगर आ गया, दे इन्फॉर्म द फील्ड डायरेक्टर। फिर उन्होंने कैमरा ट्रैप लगाए वहाँ जगह जगह, और कैमरा ट्रैप में जो फिर फोटो आया और वो फोटो को उन्होंने यहाँ रणथंभौर भेजा, तो पता लगा ये वही टाइगर है जिसने मेरे पर अटैक किया। तो आप एक टाइगर की एफिशिएंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक टाइगर 200-250 किलोमीटर यहाँ से चल के पैदल चला गया, किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को पता भी नहीं लगा ढंग से कि एक टाइगर वहाँ चला गया, और अपने आपको रीएस्टैब्लिश कर रहा है वहाँ पे। जब केवलादेव नेशनल पार्क का एक छोटा सा पार्क है 29 स्क्वायर किलोमीटर का, बर्ड सेंचुरी है, तो वहाँ पे टाइगर का सर्वाइवल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक बार एक टाइगर गई थी वहीं डेथ हो गई, बट छोटा सा एरिया, वहाँ पैदल लोगों को अलाउ किया जाता है, कभी भी कोई मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है हो सकता है, तो एंड इट वाज रिपोर्टेड कि वो टाइगर कई बार बाउंड्री कूद के, और सामने एक सेंटर नर्सरी है वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसमें घूम कर चला जाता था। मेरे को लोगों ने कहा, तो मैंने कहा यार कोई फॉरेस्ट ऑफिसर रहा होगा, इंस्पेक्शन करके जाता है अपने फॉरेस्ट नर्सरी का, तो ऐसा हुआ तो लोगों में थोड़ा दहशत भी हो गई, लोगों के यार कुछ गड़बड़ हो जाए। फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, हाई लेवल पे डिसीजन हुआ कि इसको सरिस्का, क्योंकि वहाँ से नज़दीक पड़ता है, तो सरिस्का इसको ट्रांसलोकेट किया जाए। तो हम लोग जब काम कर रहे 2-3 दिन लगातार प्रयास किए, टाइगर वो जो भी बेट बांधते थे लेता था, अंदर ले जाता था, रात को खाया और फिर दिन में नहीं आता था, तो बड़ा वो हो गया। ऐसे शाम को बैठे बैठे शांति कुटे में डिस्कशन चल रहा था, तो फिर उसमें एक आइडिया निकल के आया कि भाई जो रणथंभौर में एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसमें फीमेल का बहुत वोकलाइजेशन है, जस्ट जब आप देखें हीट पे आती है,
स्ट्रेस में आती है तो वो मेल को अट्रैक्ट करने के लिए वोकलाइजेशन करती है. दे नो ईच अदर, उनकी लैंग्वेज को बेटर वे में हमसे ज़्यादा. हम कहते हैं कि ये फीमेल इसलिए कर रही है, कभी कहते हैं मेल इसलिए कर रहा है. हम हमारी स्टडी से बता देते हैं, पर उनको पता है कौन सी वॉइस कौन है क्या है. एक सिंपल टाइगर, टाइग्रेस अपने बच्चों को डराने के लिए केवल इतना सा करती, बच्चे भग जाते. बुलाने के लिए करती, बच्चे आ जाते. तो ये उनकी लैंग्वेज है एक्चुअली. तो वो किया तो यू विल नॉट बिलीव, शायद ये पहला एक्सपेरिमेंट था वाइल्ड में, शायद फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जब वो कैसेट वैसेट को जैसे ही प्ले किया और उसमें जो साउंड हुई फीमेल की, तो बेचारा वो महीनों से भटक रहा था. तो उसको लगा यार ये तो साथी आ गया, और वो बाहर निकल के आया और ट्रैंकुलाइज किया और उसको फिर सरिस्का रिलोकेट किया. अभी भी सरिस्का में है, नाउ ही इज़ क्वाइट ओल्ड. अभी एक महीने पहले मैं उससे मिल के आया, फिर हाथ फेर के मतलब देखा उसको सामने. तो बट अब नाउ ही इज़ क्वाइट ओल्ड. वैसे तो मैं भी 65 साल का हो गया हूँ और तो वो भी काफ़ी, मैं सोचता हूँ 14-15 साल का टाइगर हो गया, सबसे ओल्डेस्ट टाइगर है. जब वो यंग था तो उसने सरिस्का में खूब धूम मचाई, पूरी टेरिटरी को कवर किया हुआ था. बहुत जल्द हम जब पार्क के जो मेजर जोन्स है, जो जोन 1-5 है, वो जब खुलेंगे 1 अक्टूबर से, सर आई थिंक खुल रहे हैं 1 अक्टूबर से, हम वापस आएंगे यहाँ पे और इस बार हम कोशिश करेंगे कि सर के साथ हम जाएं अंदर घूमने के लिए, स्पेशली जोन नंबर 3. चलिए अलविदा लेता हूँ आपसे, अगली बार एक नया व्लॉग एक नई जगह पे. धन्यवाद, थैंक यू.